फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल वफादार डॉग्स में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और आज मैं लेके आया हूँ टॉय ब्रीड्स। एक है हमारे पास टॉय पॉम और एक है हमारे पास शिट जू। दोनों ही टॉय ब्रीड्स में आते हैं, दोनों ही प्यारे हैं और परफेक्ट ब्रीड हैं घर के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही प्लेफुल ब्रीड होती है, इंटेलिजेंट ब्रीड होती है दोनों और बहुत ही अच्छे कंपेनियन होते हैं हमारे। तो आज मैं इन दोनों का कंपैरिजन करने वाला हूँ कि किन के लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो वैसे तो दोनों ही बेस्ट है, बस चॉइस आ जाती है आपके ऊपर कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो चलिए थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों में। तो बात करें अगर टॉय पॉम की, तो टॉय पॉम एक बहुत ही फेमस ब्रीड है, आजकल बहुत चल रही है, ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है आजकल। आप यूट्यूब पे या कोई भी इंस्टाग्राम रील पे और वीडियोस देखते होंगे पप्पी की, बहुत ही क्यूट क्यूट पप्पीज होते हैं, तो छोटे छोटे पप्पीज होते हैं वो होते हैं टॉय पॉम। देखिए कितना फरी बच्चा है हमारा टॉय पॉम। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, टॉय पॉम का वेट अराउंड 1.5 से 2 किलो तक जाता है अगर मैं प्योर ब्रीड की बात करूँ तो। और अगर मैं यही बात करूँ शिट जू की, और शिट जू का अगर मैं वेट का कंपेरिजन करूँ टॉय पॉम से, तो शिट जू का जो वेट जाता है वो 7 to 10 kg अराउंड जाता है। और दोनों ही टॉय ब्रीड्स में आती हैं, तो इनका वेट इसलिए कम जाता है क्योंकि इनका जो बोन स्ट्रक्चर होता है बहुत ही लाइट होता है। जो इनके पैर होते हैं बिल्कुल जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है उससे भी मतलब पतले पैर होते हैं, बस इनके थोड़े पैर हैवी इसलिए लग रहे हैं, आपको मोटे लग रहे हैं क्योंकि बाल आ चुके हैं, बालों से पैर पूरा ढक चुका है इसका। तो इनका साइज भी काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है शिट जू से भी छोटा साइज होता है। और ये देखिए मैं इसको टेबल पर रखता हूँ, इसका साइज देखिए इतना सा साइज है, ये देखिए इतना साइज है बच्चे का। और अगर मैं शिट जू की बात करूँ, देखो शिट जू थोड़ा सा लंबा है, इससे बाहर निकल रहा है अभी, और लंबा होगा, पर टॉय पॉम ज़्यादा लंबे नहीं होते, ना ज़्यादा ये हाइट लेते हैं ना ज़्यादा ये लेंथ में बढ़ते हैं ये शिट जू, इसलिए थोड़ा सा बोन स्ट्रक्चर इसका हैवी होता है टॉय पॉम से, इसलिए इसका वेट अराउंड 7 to 10 kg ज़्यादा है। दोनों ही प्लेफुल ब्रीड्स हैं जैसा कि आपने हमारी वीडियो में देखा होगा, कितना खुशी से दोनों बच्चे रख रहे थे। अगर घर में ये बच्चे अगर आप रखते हैं शिट जू और टॉय पॉम भी अगर साथ साथ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही प्लेफुल इंजॉयबल ब्रीड हैं दोनों। और आपने देखा होगा हमारे पास अमेरिकन बुली भी था, कितना अच्छा नेचर है अमेरिकन बुली का। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, अमेरिकन बुली भी बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड नेचर के होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। और हाँ, बस कंडीशन ये है आपका अमेरिकन बुली प्योर होना चाहिए। कई लोग अमेरिकन बुली को पिटबुल से कंपेयर करते हैं, तो दिखने में जिनको नॉलेज नहीं है उनको दिखने में पिटबुल लगता है, पर जिनको नॉलेज है अच्छी खासी उनको पता होता है अमेरिकन बुली है। अमेरिकन बुली बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है आपके घर के लिए, बिल्कुल जैसा इनका नेचर है ना वैसा ही अमेरिकन बुली का नेचर है। देखिए अभी भी आ गया हमारे पास जेडी, ये देख बच्चे, और ये बच्चों को बड़ा प्यार करता है, बहुत ही संभाल के रखता है हमारा बच्चा। ये जेडी नाम है इसका, आपने कई वीडियोस में भी देखा होगा जेडी आता है। और अगर मैं बात करूं इनके खाने पीने की, तो दोनों का मेंटेनेंस बहुत ही कम है, सिर्फ मेंटेनेंस की बात आती है वो आती है सिर्फ इनके बालों की। तो बालों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बालों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाल उलझ जाएंगे, तो सुलझाने थोड़े मुश्किल रहते, तो इसलिए इनकी डेली एक कोंब तो बनती है, तो 2 मिनट की कोंब होती है, तो आपको 2 मिनट तो निकालने ही होंगे। तो ये देखिए दोनों ही बड़ी प्यारी ब्रीड है। और पसंद आ जाती, पसंद की मैं बात करूँ तो कईयों को पसंद होता है फेस, जैसे कि शिट जू का जो फेस रहता है वो रहता है पंच फेस में। जी हाँ, शिट जू का आप फेस देख सकते हैं, ये जो इनका नोज होता है वो पंच फेस में होता है, लाइक अगर हम पग की बात करें, जब पग भी होता है पंच फेस नोज होता है उसका। तो इसके जब बाल आ जाएंगे यहाँ पर, तो इसका नोज अभी थोड़े से बाल इसी गीले हो रहे हैं, खाना खा के आया है बच्चा हमारा और शायद पानी भी पिया इसने, और ये बाल इसके यहाँ से निकलेंगे तो मूछें निकलती हैं इसकी शिट जू की, और नाक गंदा लगता है। और इनका थोड़ा सा मजल हल्का सा बाहर आता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, टॉय पॉम का मजल हल्का सा बाहर आता है। तो दोनों ही मेंटेनेंस कम ब्रीड है, बस बात आती है बालों की, जैसे कि मैंने आपको बताया खाना पीना इनका बहुत ही लो रहता है क्योंकि छोटी ब्रीड होती है, कितना खाएंगे। तो परफेक्ट है हमारे घर के लिए ब्रीड। तो जिनके जो फ्लैट्स में रहते हैं, जिनको लगता है कि हम डॉग को सुबह शाम वॉक पे नहीं ले जा सकते, तो उनके लिए ब्रीड बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि घर का
जो कोना होता है, बालकनी होती है, वो आप उनको इनको इधर भी फ्रेश करा सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात होगी अगर आप डॉग को अपने नियर बाय पार्क भी ले जाएं हफ्ते में 2-3 बार भी, तो इनका भी मन लगा रहता है घर से बाहर। इनको भी निकालिए, सोशलाइजिंग कराइए इनको भी। और फ्रेंड्स, अगर मैं इनके बालों का कंपैरिजन करूँ तो दोनों के बाल डिफरेंट है। अगर आप इनको टच करके फील करेंगे तो दोनों के बाल डिफरेंट है। इसके बाल थोड़े से पतले रहते हैं और शिट्ज़ू के बाल थोड़े से हैवी रहते हैं, मतलब हैवी मतलब इससे हैवी, और लाइक अ कॉटन फील होता है आपको अगर आप इसको टच करेंगे तो। और शिट्ज़ू के बाल बड़े हो जाएंगे तो आप इनकी चोटियाँ भी बांध सकते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा गूगल पे भी सर्च करके आप देख सकते हैं शिट्ज़ू के हेयर स्टाइल्स कितने डिफरेंट तरह के बन जाते हैं। पर वैसा हेयर स्टाइल इसका नहीं होगा टॉय पोमो, क्योंकि इसके जो बाल की क्वालिटी है वो थोड़ी सी अलग है। तो इनको अलग शेप आती है, इनकी कटिंग जब होती है और इनकी जब कटिंग होती है तो इनकी अलग शेप आती है, और बहुत ही प्यार लगते हैं। हर एक की पसंद अलग अलग है, तो आज मैंने दोनों का कंपैरिजन कर दिया एक साथ, दोनों दिखते कैसे हैं और क्या क्या फर्क होता है दोनों में। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं दोनों, देखिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत ही प्लेफुल ब्रीड है ना बेटा। ये देखिए फ्रेंड्स दोनों बच्चों को, तो फ्रेंड्स अगर मैं प्राइस की बात करूं तो टॉय पॉम्स आर मच मोर एंड मोर कॉस्टलियर देन शिट्ज़ू। जी हाँ, क्योंकि टॉय पॉम एक साइज में छोटा रहता है और बहुत ही लाइट वेट रहता है और बहुत ही कम अवेलेबिलिटी है इसकी हमारे इंडिया में, तो टॉय पॉम बहुत एक्सपेंसिव ब्रीड है, ऑलमोस्ट डबल है शिट्ज़ू का। तो ब्रीड दोनों ही अच्छी है, तो आप अपना मन बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन सी ब्रीड ज़्यादा अच्छी लगती है, शिट्ज़ू या टॉय पॉम। तो वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छी लगी हो तो। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक बिल्कुल टाइम टू टाइम आती रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।